नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं खेल जगत की खबरों पर। गेंदबाजों की बदौलत मोहाली टेस्ट में भारत ने बनाई पकड़। जो रूट के अर्धशतक से संभली इंग्लैंड की पारी, भारत की बड़ी जीत की उम्मीद। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे पंकज आडवाणी, भारत का पदक किया पक्का। आडवाणी ने क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड के थानावत तिरोपोंग पाई बून को 6-5 से दी मात। उत्तर प्रदेश के आईएएस अधिकारी ने रचा इतिहास। बीजिंग पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में आजमगढ़ के डीएम सुहास एल वाई ने जीता स्वर्ण। सुहास ने फाइनल मैच में इंडोनेशिया के हैरी सुशांतो को 21-4 और 21-11 से हराकर पदक पर किया कब्जा। मकाऊ ओपन में नहीं खेलेंगी पीवी सिंधु, साइना नेहवाल करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व। दुबई सुपर सीरीज की तैयारी के लिए सिंधु ने इस टूर्नामेंट से नाम लिया वापस। वीरेंद्र सहवाग ने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर किया बड़ा खुलासा। 2012 में विराट को टेस्ट टीम से बाहर करना चाहते थे चयनकर्ता, धोनी की सिफारिश ने बचाया कोहली का टेस्ट करियर। और विश्व कप में शामिल नहीं होगी पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम। समय सीमा खत्म होने के बाद किया वीजा के लिए आवेदन। 8 दिसंबर से लखनऊ में होना है जूनियर हॉकी विश्व कप। ये तो हुई खेल जगत की खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।